हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस की वजह से मलेशिया में होने वाला अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट टला। अप्रैल में खेला जाना था, अब सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा टूर्नामेंट। कोरोना के नाम पर ऑनलाइन ठगी भी चालू है। वायरस से बचने की सावधानियों के ईमेल और एसएमएस आते हैं, क्लिक करने पर डेटा चोरी और पैसा साफ हो जाता है। दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा। इलाज कराते कुछ पीड़ित लोगों ने दम तोड़ा है। हिंसा में मारे गए आईबी के कांस्टेबल अंकित के परिवार को केजरीवाल सरकार देगी 1 करोड़ की मदद। आम आदमी पार्टी के ताहिर पर ही लगे हैं आरोप। अफवाहों के बीच दिल्ली के शिव विहार से शांत माहौल की तस्वीरें आई। दावे हो रहे थे कि इस इलाके को पुलिस ने लॉक किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात सामान्य होने के बाद आज सीबीएसई की परीक्षा हुई। खजूरी खास में पुलिस वालों ने बच्चों को गुलाब के फूल बांटे। निर्भया के हत्यारों की फांसी एक बार फिर टली। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगाई है। कल सुबह फांसी होनी थी। असम के विश्वनाथ में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या। 7 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के तापी में सरकारी बस, ट्रक और एक जीप की टक्कर हो गई। हादसे में 7 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राजस्थान के जयपुर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। एक मकान का हिस्सा गिर गया, 2 लोगों की मौत। नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में किसानों ने पदयात्रा शुरू की। 45 किलोमीटर लंबे मार्च में हजारों किसान शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। जमीन मुआवजे की मांग पर जमीन में गड्ढा कर बैठे और धरना दिया। यूपी के गोरखपुर में अवैध शराब की बड़ी फैक्ट्री का खुलासा। आबकारी विभाग ने रात को छापे मारकर शराब की भट्टियां तोड़ी। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के जिला अस्पताल में बत्ती हो रही है गुल। 40 मिनट तक टॉर्च की रोशनी में हुआ इलाज। जम्मू में सिटी चौक हुआ भारत माता चौक। सर्कुलर रोड का नाम हुआ अटल जी चौक। नगर निगम ने नए बोर्ड लगाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चट्टान खिसकने से तबाही। सड़कें टूटी, घरों में दरारें पड़ी। स्थानीय लोगों में दहशत है। प्लेन में जल्द शुरू होगी वाईफाई इंटरनेट सुविधा। सरकार बोली, हमने मंजूरी दे दी है, अब कब शुरू करना है ये एयरलाइंस कंपनियां तय करेंगी। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार के बाद पत्रकार ने कोहली से पूछा, इतना आक्रामक क्यों रहे? तो बोले, मैच रेफरी को तो कोई परेशानी नहीं, आपको क्यों? न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।